नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्री विटनरी एंड फिशरीज इंटरेस्ट्रेस से रिलेटेड जानकारी दिया था। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री इंटरेस्ट्रेस मतलब DAHET के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल से लेकर आप 30 अप्रैल तक कर पाएंगे। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म में आप संशोधन 16 अप्रैल से लेकर 5 मई तक कर पाएंगे। इसका जो एग्जाम है वो 26 मई को प्री विटनरी के साथ में होने वाला है। तो आप सभी को इस फॉर्म के ऑनलाइन आवेदन के लिए जनरल कैंडिडेट्स को ₹400 पे करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए ध्यान रखें, ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। उन सभी को ₹200 पे करना होगा और इन सभी को MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹70 उन्हें अलग से पे करना होगा। 26 मई रविवार को इसका एग्जाम सवेरे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे तक चलने वाला है, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम सवेरे 7 से 8 बजे के बीच में होगा। चलिए आप बात कर लेते हैं सीट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में टोटल 5 कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बात करें सीट्स की तो जबलपुर के कॉलेज में 61 सीट्स हैं, महू में 61 सीट्स हैं, रीवा में 60 सीट है, भोपाल में 59 सीट्स हैं और मुरैना में भी 59 सीट्स हैं। टोटल 300 यहाँ पर सीट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आपने 12वीं क्लास पास कर लिया है तो यहाँ पर आप MP बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से किसी में से अगर आपने पास किया है तो आपको 12वीं कक्षा में मिनिमम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। ये जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है सिर्फ विज्ञान विषय के ही जो आवेदक है वो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जीव विज्ञान, गणित या फिर कृषि, इन तीनों में से कोई एक विषय कॉमन होना चाहिए। इसके अलावा SC और ST कैंडिडेट्स को 45% लाना होगा, तभी वो आवेदन कर पाएंगे। चलिए आप बात करते हैं एज की। तो आपकी एज 31 दिसंबर 2019 के हिसाब से 17 वर्ष कम से कम हो जानी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होने चाहिए। इसके अलावा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतर आयु की जो सीमा है उसमें 5 वर्ष की छूट रहेगी, मतलब 33 वर्ष तक के आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में रहने वाला है। अब बात करें सिलेबस की। इस PDF के लास्ट में आपको इसका डिटेल्स में सिलेबस मिल जाएगा। इस PDF की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF के लास्ट में डिटेल्स में इसका सिलेबस दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको इसकी लिंक PB की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर आने पर थर्ड ऑप्शन पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में सबसे नीचे एक ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, उस पर चेकमार्क करके मतलब क्लिक करके आगे बढ़ाने पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर समान पंजीकरण क्रमांक इंटर करना होगा। अभी समान पंजीकरण क्रमांक कहाँ से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे नीचे। यहाँ पर आप क्लिक करके फ्री में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखकर आप अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक क्रमांक मिलेगा, आपको एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देने के बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे आगे बढ़ाए पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ाए पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 24 ऑप्शन पर आना है, जिस पर आपको बिना वर्ग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे 25 नंबर पर पूछ रहा है क्या आप निःशक्त जन हैं, तो आपको इसका ऑप्शन देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है कि आपने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया है या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो वो सभी आवेदक सेकंड वाले ऑप्शन पर हाँ पर क्लिक करेंगे और जनरल कैंडिडेट्स के जो आवेदक और OBC कैंडिडेट्स के जो आवेदक हैं वो पहले ऑप्शन पर हाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 29 ऑप्शन पर आपसे ये पूछा है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा आप दे रहे हैं या फिर आपने पहले से पास कर लिया है। तो अगर आप इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पर आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 30 ऑप्शन में जिस भी शहर में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स पर चेकमार्क करना है मतलब क्लिक करना है। अब आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ाए पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म शो होगा,
फॉर्म के सबसे नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसकी पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आप वहां से फॉर्म का प्रिंट भी ले पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।